यार आज मैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे पहले मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल कर्व हमारा फिगर में 1 2 5 6 7 होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व 1 2 5 6 7 होगा, पॉलीगन 1 2 होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन 2 होगा और कॉनकेव पॉलीगन 1 होगा। अब मैं आता हूँ फिगर पे, देखेंगे यहाँ पे हमें दिया है गिवन ईयर आर सम फिगर। तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है और हमें बताना है सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन है, पॉलीगॉन कौन है, कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन कौन है। तो हमें इसमें यहाँ पे वो करना है, चूज़ करना है कि कौन कौन सा फिगर, कौन कौन क्या क्या है, इसके नाम हम लोग इसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे, पहले हम लोग इसके इसके बेस पे हम लोग बताएंगे कौन कौन सा फिगर है। तो सिंपल कर्व हमें इस सारे फिगर में देखना है कि सिंपल कर्व फिगर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर सिंपल कर्व फिगर हमारा 1 नंबर को दिखेगा। सिंपल कर्व फिगर मतलब जो भी कर्व हो सर्कल छोड़ के वो सारे क्या है, सिंपल कर्व है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ये देखिए 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल ये सर्कल है, कर्व नहीं है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कर्व नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। 8 भी नहीं होगा, यहाँ पे दो दो सर्कल है इसलिए ये नहीं होगा। और सिंपल क्लोज्ड कर्व में आते हैं, वैसा मतलब सिंपल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 1 2 5 और 6 7 होगा। यहाँ पर भी उसी तरह सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व एक ही है। पॉलीगॉन समझते हैं, पॉलीगॉन आखिर कहते हैं किसको, पहले ये समझेंगे। पॉलीगॉन मतलब सिर्फ लाइन से बना हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया हो, उसकी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो यहाँ पर देखिएगा पॉलीगॉन कौन कौन है, 1 और 2 और बाकी सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये लाइन पर नहीं है, ये सिर्फ सर्कल से बना हुआ है। यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ लाइन तो है लेकिन यहाँ पे सर्कल भी है। तो सिर्फ 1 और 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे किसको, वैसा फिगर जिसमें जिसमें जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस फिगर में देखिएगा यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल है, ये सारे क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो सिर्फ 2 को ही हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स फिगर। और कॉन्केव पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, वैसा फिगर, वैसा पॉलीगॉन जिसमें कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे इस एंगल को देखिएगा, यहाँ पे ये एंगल को, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक।